अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोबाइल इन्फॉर्मेशन एफी। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज एक जबरदस्त फोन लेकर आया हूं आपकी खिदमत में। जी हां, वीवो Y28 वीवो की बैक टू बैक अच्छे फोन की लॉन्चिंग जारी है। आज इस फोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, उसका नाम है वीवो Y28। कुछ इस तरीके से इस फोन का बॉक्स देखने को मिलता है, बहुत ही प्यारा बॉक्स है। आइए करते हैं अनबॉक्स और चेक करते हैं कि क्या है इस फोन में। सबसे पहले हमें फोन देखने को मिलता है जो बहुत ही कमाल का है, इसे रखते हैं साइड में और चेक करते हैं बाकी का बॉक्स कंटेंट। बॉक्स में सबसे पहले हमें एक छोटा सा बॉक्स मिलता है, उसके अंदर हमें मिलता है एक सिलिकॉन प्रोटेक्टर केस जो आता है व्हाइट कलर में, और उसके बाद हमें एक 15 वाट का चार्जर देखने को मिलता है, और उसके साथ हमें मिलती है एक टाइप सी चार्जिंग केबल, और उसके बाद हमें सिम ट्रे देखने को मिलता है। दोस्तों ये था इस फोन का बॉक्स कॉन्टेंट। अब नजर डालते हैं फोन की फिजिकल ओवरव्यू एंड लुक्स एंड डिजाइन पर। जी दोस्तों अब उठाते हैं वीवो Y28 को हाथ में और चेक करते हैं। लुक नाइस यार, बहुत ही प्यारा फोन है वीवो Y28, जो देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। ये फोन दोस्तों ऑरेंज कलर में और भी ज्यादा खूबसूरत देखने को मिलता है। फोन की बैक बॉडी को लेफ्ट राइट करने से एक अलग ही तरीके का लुक नजर आता है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। बैक बॉडी प्लास्टिक की बनाई गई है और पूरा फ्रेम भी प्लास्टिक, और ये फोन दोस्तों बॉक्सी डिजाइन में आता है। फोन का वेट है 199 ग्राम और थिकनेस है जस्ट 8 mm, यानी इस फोन को हम स्लिम तो नहीं कह सकते। वीवो Y28 दो कलर में आता है, ही कलर आउटस्टैंडिंग लुक देते हैं। एक आता है एजेंट ग्रीन और एक आता है फ्लेमिंग ऑरेंज। बैक बॉडी पर ड्यूअल कैमरा का सेटअप रखा गया है विथ LED फ्लैश। कैमरा मॉड्यूल का कलर गोल्ड है। सच पूछे तो वीवो वालों ने खूबसूरत फोन बनाने की रवायत को बरकरार रखा है। बात करें फिजिकल ओवर व्यू की तो फोन की लेफ्ट साइड पर हमें मिलता है सिम ट्रे, जिसमें एक और एक मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं या तो फिर दो सिम यूज कर सकते हैं। और राइट साइड पर देखा जाए तो वॉल्यूम अप एंड डाउन कीज है, उसके ठीक नीचे है पावर ऑन ऑफ का बटन जिसमें रहती है फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी। नीचे की तरफ स्पीकर, गियर लाइक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, एक माइक और एक 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है। ऊपर वाली तरफ बिल्कुल प्लेन रखा गया है, कुछ भी देखने को नहीं मिलता। दोस्तों ये था इस फोन का फिजिकल ओवरव्यू एंड लुक्स एंड डिजाइन जो कमाल का रखा गया है। लुक तो आउटस्टैंडिंग हाँ। अब डिस्प्ले की बात करते हैं तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी पर आए तो IPS LCD कैपेसिटिव टच स्क्रीन 16M कलर मल्टी टच दी गई है। ये डिस्प्ले की टाइप आजकल 20,000 वाले फोन में भी हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर तो मैं AMOLED पैनल के तवक्को कर रहा था, लेकिन बैक टू बैक वीवो के 3-4 मॉडल आए हैं जिसमें यही डिस्प्ले देखने को मिलती है। खैर जबकि ये वीवो की डिस्प्ले है इसलिए कलर्स तो कमाल के रखे गए हैं। डिस्प्ले में काफी सारे न्यू फीचर्स भी मुझे देखने को मिले। बात करें साइज की तो 6.68 इंच रखी गई है और डिस्प्ले की रेजोल्यूशन है 720 पिक्सल डेंसिटी बनती है दोस्तों 264 PPI। रिफ्रेश रेट रखा गया है 19 Hz का और 760 Hz का है टाइप, 1000 Hz का है HBM। 19 Hz के रिफ्रेश रेट के साथ इस डिस्प्ले की टच काफी स्मूथ हो जाती है। कुल मिलाकर दोस्तों ये डिस्प्ले रकम के हिसाब से मुझे कुछ बेहतर लगी। डिस्प्ले के बाद परफॉर्मेंस की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले एंड्रॉइड पर आए तो एंड्रॉइड 14 यूज किया गया है जो एक लेटेस्ट एंड्रॉइड है। CPU ऑक्टा कोर का कोर्टेक्स A75 है, और मोर इम्पोर्टेंट चिपसेट की बात करें तो मीडिया टेक का हेलियो G85 SoC दिया गया है। वैसे तो ये एक गेमिंग प्रोसेसर कहलाता है, लेकिन हेवी फाइल्स और हेवी गेम्स आजकल काफी अपडेट हो चुकी हैं, इसलिए ये कुछ खास काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको डेली यूजेज के हिसाब से सोशल मीडिया के एप्स, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी एप्स चलानी है तो इस फोन में आप आसानी से चला सकते हैं। फ्री फायर या PUBG जैसी गेम भी इस डिवाइस में आप खेल सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत लेग के साथ। और दोस्तों अगर आप है प्रो गेमर तो इस फोन में आपको PUBG या फ्री फायर मजा नहीं देगी। GPU है मेली G57 का। कुल मिलाकर ये परफॉर्मेंस नॉर्मल यूजर्स के लिए काफी बेहतर है। परफॉर्मेंस के बाद एक नजर डालते हैं कैमरा की आंख पर। वीवो Y28 में बैक बॉडी पर ड्यूअल कैमरा का सेटअप रखा गया है विथ LED फ्लैश। मेन कैमरा 50 MP F1.8 अपर्चुअल वाइड का दिया गया है, जिसकी रिजल्ट काफी अच्छी देखने को मिली। काफी अच्छे कलर्स का इस्तेमाल किया गया है, काफी बेहतर रिजल्ट देखने को मिली वीवो Y28 में। और मेन कैमरा की रिजल्ट को मजीद बढ़ाता है 2 MP F2.4 का डीप लेंस। यहाँ दोस्तों मैं अल्ट्रा वाइड कैमरा को बहुत मिस कर रहा हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 180 पिक्सल में आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और दोस्तों अब आते हैं वीवो Y28 की सेल्फी शूटर। वीवो Y28 में 8 MP F2.1 का सेल्फी शूटर दिया गया है, जिसकी रिजल्ट भी काफी अच्छी देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर मुझे 32 MP की तवक्को थी, लेकिन 8 MP से भी आपको रिजल्ट बहुत अच्छी मिलेगी क्योंकि ये है वीवो की कैमरा। दोस्तों अगर आपको वीलॉगिंग का शौक है तो 180 पिक्सल में आप इस फोन में वीलॉगिंग भी कर सकते हैं। ये था दोस्तों फोन का कैमरा। अब बात करते हैं इस फोन की बैटरी की।
दोस्तों वीवो वाई 28 में एक 5000 एमएएच की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, जिसे चार्ज करने के लिए हमें एक 15 वाट का वेरिएंट चार्जर देखने को मिलता है। यहाँ पर 18 वाट का होता तो और भी बेहतर हो सकता था, लेकिन ये भी आपको 1.5 घंटे के अंदर फोन फुल चार्ज कर देगा, जो पूरा दिन आप आसानी से चला सकते हैं। दोस्तों बातें हैं वीवो वाई 28 की प्राइस की जानेब। दोस्तों बातें हैं वेरियंट पर, तो ये फोन दो वेरियंट में आता है, एक आता है 4 128 GB और एक आता है 8 128 GB। जो आज मैंने अनबॉक्स किया है वो है 8 128 GB, जिसकी प्राइस रखी गई है जी 44,500 रुपीज, 39,500 रुपए में ये आपको पूरे पाकिस्तान के मार्केट में देखने को मिल जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये रकम मुझे ठीक मालूम होती है। आपको कैसा लगा ये फोन, उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा। अगर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने होस्ट इरफान अली को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।